हरिद्वार में कांवड़ियों से भरा टेम्पो पलटा, दो कांवड़िये गंभीर रूप से घायल। ऋषिकेश से हरिद्वार आ रहा कांवड़ियों से भरा एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे दो कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ कांवड़ियों को मामूली चोटें आई। मामला ये है जो हम खा रहे थे छोला कटोरा, यहाँ से जैसे कि न जो आगे की न कार आया हुआ था, एकदम से चलते चलते खड़ी कर दिए। खड़ी करने के बाद में वो जो है ऑटो जो था पूरा तेजी में जा रही थी, उसके बाद में उसको रोकने के चक्कर में जो है कि ना ब्रेक मारा, वो जो है उसके चक्कर में जो है कि ना गाड़ी पलटी हुई है, टेम्पो पलटी हुई। कमाड़िया जो है आप ये कहाँ के था नहीं था मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं हरियाणा के है कि दिल्ली की है ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ मैं, है ना। बाकी जो है कि ना गाड़ी पलटी हुई है, एक के सिर दब गया था, एक के पैर दब गया था। मैं सबसे पहला नंबर में उठा आया और उठाया ठेली वाले के भी गए, सामने लोहे के दुकान है उन्हें भी किन चिल्लाया, सब आकर के उठाए इनको। हरिद्वार में आजकल कांवड़ यात्रा जोरों से चल रही है। हरिद्वार से गंगा जल भरने जगह जगह से कांवड़िये हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कांवड़िये बड़ी संख्या में यहां से ऋषिकेश नीलकंठ महादेव दर्शन के लिए जाते हैं। नीलकंठ महादेव के दर्शन करके लौट रहे कांवड़ियों से भरा टेम्पो गलत दिशा से आ रही कार की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गया। घायल कांवड़ियों को मौके से जिला चिकित्सालय भेजा गया। चश्मदीदों का कहना है कि ये हुई है नीलकंठ धाम, नीलकंठ होटल के सामने। ये जो कांवड़िये थे कहाँ से आ रहे थे? वो नीलकंठ से आ रहे थे सर, तो इधर से वैन वाले की गलती थी, तो आमने सामने टक्कर हुई थी, से एक्सीडेंट में ऑटो उल्टा हो गया, उलट गया। गलत दिशा से आ रही एक कार के कारण ये टेम्पो पलट गया। वो नीलकंठ से आ रहे थे और इधर एक हरिद्वार से गाड़ी आ रही थी, आमने सामने की टक्कर हो गई थी। गाजियाबाद हरियाणा के थे, घायल हुए कांवड़िये, दो कांवड़िये घायल हो गए और बाकी चोट लगी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल लगे।